Assalamualaikum everyone, मैं हूँ आप सबकी मुंजेंदर बार शेख एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैंने बनाई है माशाल्लाह से चार रेसिपीज रमज़ान स्पेशल मेरे हाथों से। मतलब मैंने लाइफ में इतना कभी नहीं बनाया। आज जाकर रियलाइज़ होता है कि मतलब मेरी मम्मी, मुझे जब याद आता है कि बचपन में और पहले, अभी तो सब बाहर का ये सब सिस्टम चालू है ना, बाहर सब मिल जाता है रेडीमेड, बट पहले पहले तो सब लोग घर पर ही सब कुछ बनाते थे, तीखा लेकर बोलो, मीठे में बोलो, सब कुछ। मैं मेरी मम्मी को देखती थी तो मुझे याद है इफ्तारी में इतना बड़ा दस्तरखान बिछता था माशाल्लाह से, और इतनी अलग अलग वैरायटी, इतनी सारी आइटम्स, मतलब सब घर के बनाए हुए, मतलब और अलग अलग। मैं तो अभी फिर भी मतलब एक बोलते ना बिगिनर हूँ, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स, सबकी मम्मियाँ ये चीज़ करती होगी। मैंने अपनी आंखों से अपनी मम्मी को देखा है कि इतना सारा बनाया है उन्होंने लाइफ में, मतलब इतना कुछ बनाते थे, और मीठे में भी अलग इतना कुछ बनता था, और सब अकेले, कोई हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे आज मैंने सब अकेले किया है विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि मुझे करके देखना था कि मैं कितना बना सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। बट माशाल्लाह से बोलते हैं ना, वुमेन पावर, वुमेन्स को तो मतलब आप लोग कुछ भी दे दो कर निकलते हैं, मतलब बस ऐसा पावर सब में हो, और मेरे ख्याल से सब में है वैसा। तो आज माशाल्लाह से मैंने इतना कुछ बनाया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में वो चीज़ शेयर कर लेती हूँ, वो सारी रेसिपीज। तो एक्चुअली ये सब बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या है, मैं एक्चुअली घर वालों को सब बनाकर भेजना चाहती थी इफ्तार के लिए। बस मेरा मेन मोटिव जो मैंने बोला, मेरा यही है कि सब मुझे दुआएं दे, बिकॉज जैसा होता है इफ्तारी कभी कोई भेज देता है और कुछ नहीं बनाना रहता तो कितनी दिल से दुआ निकलती है, बिकॉज आपको इबादत की ज़्यादा मतलब इबादत करने का ज़्यादा वक्त मिल जाता है वो टाइम पे, और इफ्तारी की गड़बड़ नहीं रहती, और रोजे की हालत में तो ऑब्वियसली अगर कोई कुछ दे दे तो मज़ा ही आ जाता है। क्या बोलते हो, है ना, अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने अभी बस ये सारी चीज़ें बनाई हैं, फिर उससे मतलब मम्मी का जो कंटेनर उन्होंने मुझे भेजा था वो मुझे काम आ गया। मैं एक्चुअली खरीदने वाली थी, बट उन्होंने वही वाला भेज दिया बड़ा वाला, तो वो मुझे काम आ गया, तो वो मैं यूज़ करूँगी और सबको भेजूंगी। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर, क्योंकि एक साथ सबका क्लिप आना भी बहुत ज़रूरी है, तो जैसे सबका क्लिप आ जाएगा मैंने मतलब मैं सबको घर पर भेजूंगी, उनका रिव्यू लेने वाली हूँ, तो सब घर वाले मुझे रिव्यू भी देने वाले वो वीडियो सब अपने क्लिप, जैसे मैंने बहुत पहले एक बार किया था वर्चुअल इफ्तारी, आप लोग ने वो चीज़ बहुत पसंद की थी, वो सब मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में वो सारी चीज़ों के बारे में अपनी मतलब फीलिंग एक्सप्रेस करूँगी। तो अभी फिलहाल आप ये मतलब मेरी सारी रेसिपीज देखिए, और अगर आप लोग ट्राई करोगे तो मुझे ज़रूर टैग करना, इंस्टाग्राम पे करना मुंजैन दरबार शेख, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी वो सारी रेसिपीज़। और मैं भी ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मतलब समोसा वगैरह मुझे रैप तक नहीं करना आता है, बट मैं फिर भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। कहते हैं ना, वक्त और हालात हर चीज़ सिखा देता है, तो वही चीज़ है, मैं हर चीज़ सीख रही हूँ, और इंसान को सीखना ही चाहिए हर चीज़, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं, कोई भी चीज़ कभी भी काम आ जाती है। तो सभी आप लोग देखिए एंड एंजॉय करिए, एंड डोंट फॉरगेट, अगर आप लोग बनाओगे तो मुझे ज़रूर टैग करना। अभी पूरा फिर भी आधा रमज़ान बाकी है, मुझे लेट हो गया ये वीडियो डालने में, और पूरा 3 दिन लगा है मुझे ये बनाने के लिए, क्योंकि कैसा होता है मैं ये सारी डिश मतलब ये सारी रेसिपीज अलग से बना रही थी, और इफ्तार का भी अलग बना रही थी, मतलब मुझे चाहिए था कि एक साथ मैं एक व्लॉग बनाऊँ इन सारी चीज़ों का, तो मैंने वो संभाल के भी रखा, अभी तक उसको मैंने फ्राई भी नहीं किया था खाने के लिए, घर वालों के लिए भी। तो बाकी दूसरी सारी रेसिपीज़ मैं बना रही थी, मतलब रेसिपी ऐसे जो भी साइड में इफ्तारी रेडी हो रही थी वो तो आप लोग देख ही रहे हो, रोज़ का मेरा मतलब जो भी मैं जब भी बना रही हूँ उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी मेरी 3 दिन की मेहनत, ये सारी बस ऐसा होता है ना, बोलते हैं अल्लाह बस इसे मेरी नियत को भी कबूल करे और सब खुश हो जाए बस, और दिल से दुआ निकले। तो चलो अभी आप देखो, ज़्यादा बात नहीं करती, चलिए। मैंने 2 किलो बोनलेस चिकन मंगाया था, तो 1 किलो तो मैंने अभी धोकर रख दिया है, और उसमें नमक मतलब जैसे भी आपको टेस्ट के हिसाब से चाहिए, और अदरक लहसुन डाल दिया है उसमें। अब इसे भी धोकर और इसमें भी नमक और अदरक लहसुन डाल कर रख दूंगी। अभी इसे हम बॉईल करेंगे, क्योंकि चिकन समोसा बना रही हूँ, तो पहले चिकन बॉईल करके फिर उसमें सारे जो भी इन्ग्रीडियंट्स हैं वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने चीज़ मंगा लिया है, और मुझे ये वाला चीज़ चाहिए था जो डीमार्ट में नहीं था, तो ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगा लिया है, और आपको मैं दिखाती हूँ मेरा चिकन कहाँ तक पहुँचा है। सो ये देखिए, ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ा पानी सुखा रही हूँ, पूरा अच्छे से पूरा बॉईल हो गया है चिकन। अब इसके अंदर सारे हम सामग्री जो होते हैं वो सब ऐड करेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी चिकन हो गई है अच्छे से बॉईल, और इसे श्रेड भी कर दिया है मैंने, तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे चीज़,
आप लोग को जितना भी चीज़ी अच्छा लगता है आप उतना डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा चीज़ी बहुत हैवी हो जाता है। तो ये हमने ऐड कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा और, एंड देन इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली सॉस। थोड़ा चटपटा मज़ा आएगा। और हम डालेंगे इसमें मेयोनीज। गाइस मैं फिर से हाथ धोकर आ गई हूँ और एक चीज़ भी भूल गई थी लाना, तो ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी हम ऐड करेंगे इसमें। ये पूरा 1 kg चिकन है, तो आप लोग को जैसा भी मसाला ऐड करना है आप लोग कर सकते हो, जैसा तीखा वगैरह जो भी है। और अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे क्लीन हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना। अब इसे थोड़ा और चटपटा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। आप लोग को जितना भी तीखा चाहिए आप उतना डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शेजवान सॉस और 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। हमारी फिलिंग हो गई है तैयार। अब ये पट्टी को निकाल के सब भरना शुरू कर देते हैं अंदर। ये मैदा और उसमें थोड़ा पानी ऐड किया है, तो ये एज अ ग्लू यूज़ होगा समोसे के उस पर। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज आप लोगों ने देखा होगा मेरा स्ट्रगल, मुझे समोसा बनाना आता नहीं है, बट ये मेरा फर्स्ट ट्राई था और अच्छे से हो गया। थोड़ा स्ट्रगल किया बट हो गया। अब बनाते हैं बाकी के भी। माशाल्लाह से हमारे पूरे चिकन समोसा बनकर रेडी हो गए हैं और दिखने में तो काफ़ी ही अच्छे लग रहे हैं। शेप में वक्त लगा लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। आप देख सकते हो शेप कितना प्यारा है। अब हम सब ये जिपर बैग में ऐड कर देते हैं। ये देखो इस तरह पूरा जिपर बैग में सबके पैकेट्स बना दिए हैं मैंने। तो ये है हमारी सेकेंड डिश जो कि है चिकन पटेटो रोल। तो ये मैंने चिकन ऑलरेडी बॉईल कर लिया है और आलू भी बॉईल कर लिया है। अब हम इसे मैश कर देंगे अच्छे से। हम आलू को मैश करेंगे अच्छे से और फिर बाद में हाथों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पटेटो को सेमी मैश कर दिया है। अब इसमें जो भी मसाला वगैरह ऐड करना है वो मैं ऐड करके फिर क्लीन हाथ से इसे अच्छे से मैश कर दूंगी ताकि हम उसका रोल बना सकें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम ऐड करेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। फिर इसमें हम ऐड करेंगे क्यूमिन पाउडर जो कि है ज़ीरा पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ऐड करेंगे नमक, बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से करना, बिकॉज मैंने बॉईल करने के टाइम पे भी नमक और अदरक लहसुन डाला था थोड़ा सा। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर, कोतमीर। अब इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। एंड में मैंने इसमें मेयोनीज ऐड कर दिया है, ऑप्शनल है ये। ये हो गया हमारा बैटर तैयार। अब इसे थोड़ी देर रख देंगे और उसके बाद में इसके रोल्स बनाएंगे। ओके गाइस तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बैटर है और ये ब्रेड क्रम्प है। यहाँ पे बोल लिया है, इसमें एग डालूंगी। मैंने एक बोल लिया, इसमें सॉल्ट ऐड किया है, उसमें मैं डालूंगी 3 अंडे। अब इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिकॉज हमने इसमें सॉल्ट ऑलरेडी डाला हुआ था। ये ऑयल है ग्रीस करने के लिए हाथ में ताकि अच्छे से रोल बन जाए। और ये ब्रेड क्रम्प है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले तो हम अपने हाथों को ग्रीस कर देंगे ऐसे और फिर ये लेंगे। आप
के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, कितना मोटा बनाना है। गया है हमारा चिकन पटेटो रोल रेडी। अगर आप चाहो तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हो, बट उसके साथ कैसे थोड़ा हैवी हो जाता है। सो, अभी जैसे हमारे चिकन समोसा में चीज़ थे तो हम मैंने इसमें अवॉइड किया, इसमें चीज़ नहीं ऐड किया, बट आप लोग चीज़ भी ऐड कर सकते हो। और ये बस तैयार, आपको बस फ्राई करना है। ये देखिए सारे जिपो बैग्स में डाल दिया है। मैंने 2 किलो मटन कीमा मंगाया था तो ये मैंने अभी धो के रखा है, ये थोड़ा सा बाकी है, और ये अच्छे से धोकर निचोड़ के रखा है पूरा पानी निकाल कर। तो ये मटन समोसे के लिए मैंने सब रेडी किया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक अभी थोड़ा सा, ताकि ये ख़राब नहीं हो जाए कीमा। और उसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ अदरक लहसुन। चलो अब मटन समोसा की तैयारी करते हैं, और इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है, हम थोड़ा ही ऑयल डालेंगे। मटन कीमा डाल देंगे। साइड में हम तेल में अदरक लहसुन भी ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। इसके साथ हम इसमें चॉप्ड अनियन भी ऐड कर लेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, कोथमीर। गाइस मैंने इसमें एक बार भी पानी नहीं डाला है, जो कीमा पानी छोड़ता है ना उसी में ही ये भूने गया पूरा। नमक डालने मत भूलना, मैं भूल गई थी, लेकिन याद रखना कि पहले भी मैंने अदरक लहसुन नमक डाला था, तो उस हिसाब से अगर आप लोग को जैसा भी बनाना है, आप लोग बाद में अदरक लहसुन नमक डालते हो तो आप बाद में डाल सकते हो, मैंने पहले डाला था। तो मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ नमक इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, और इसे ढककर अब हम इसे और पकने देंगे। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कीमा, अब इसको हम दूसरे कंटेनर में खाली कर देते हैं और ठंडा होने रख देते हैं। चलो अब मटन कीमा समोसा बनाना शुरू करते हैं। मटन कीमा समोसा भी रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अभी इसे भी जिपो बैग में डाल देंगे और फिर इसे फ्रीज़र में डाल देंगे। ओके सो इट्स डन नाउ। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 kg चिकन लॉलीपॉप, जिसमें अराउंड आई थिंक 40-50 पीसेस हो गए। तो इसमें जैसे मैंने वॉश किया है तो इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन नमक लगा के रख दिया है, बिकॉज़ बहुत देर से बाहर है तो ये ख़राब नहीं हो जाए। तो अब इसमें हम फिर भी वापस से डालेंगे सॉल्ट। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल सकते हो इसमें, जितना भी आप लोग को लगेगा। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। एंड गाइज, आपको इसमें फूड कलर डालना है नहीं डालना है वो ऑप्शनल है, मैं नहीं डालूँगी फूड कलर इसके अंदर। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन, मैंने ऑलरेडी पहले ऐड किया इसलिए ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसमें कम डालूंगी। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी, वेरी लिटिल हल्दी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा शुगर ऐड करूंगी, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऐसे वो शेज़वान में कैसे डालते हैं हल्का सा वैसा टेस्ट आने के लिए, तो थोड़ा सा शुगर ऐड करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर, अब इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस, फिर इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर पाउडर, एंड देन इन द एंड हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
हम एक चीज़ तो ऐड करना भूल गए हैं, कोरिएंडर लीव्स। वैसे ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, फूड कलर भी ऑप्शनल है, बस थोड़ा सा खूबसूरत लगता है तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। एंड अब आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। सो ये हो गया है हमारा मैरिनेशन तैयार। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ओके सो गाइस, इसे भी जिपर बैग में डाल दिया है, अब इसे भी फ्रीजर में डाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 रेसिपीज हो चुकी है। हमारा फ्रीजर माशाल्लाह से पूरा फुल हो गया है, सारा चिकन रोल, समोसा, चिकन लॉलीपॉप में। तो चलो अभी जब सब ये दे देंगे तो ये खाली हो जाएगा। सो मेरे सारे पैकेट्स रेडी हो गए हैं और उसके साथ मैंने सारी चटनी, लेमन जूस वगैरह सब लिया है। और बस अभी इसे पैक कर देते हैं कंटेनर में जल्दी जल्दी और सबके घर भिजवा देते हैं। मेरे सारे कंटेनर्स हो गए हैं रेडी टू सेंड और सब चटनीज भी मैंने डाल दी है, सॉसेज। आप लोग सोच रहे हो कि कौन देता है सॉसेज वगैरह, बट एक बोलते हैं ना कंप्लीट कंटेनर है इफ्तारी का, तो ये सब भर के दे दिया है। अल्लाह बस सब लोग देखकर खुश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बनाते हुए ही बहुत खुशी हुई है। अब इस पर हम सारे कवर्स डाल देंगे एंड उनके बैग्स में जो मैं लेकर आई हूँ वो उसमें डाल देंगे एंड भेज देते हैं। सब कंटेनर्स के टॉप पे मैंने सबके नाम लिख दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो मुझे भी किसी को भेजने में। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही हूँ, मुझे तो पहले से एक्साइटमेंट हो रही है देने के लिए। यहाँ पे मैंने 3 बैग्स बना दिए हैं। अभी ये 2 मॉम डैड का जो है वो उसमें ये दस्तरखान ऐड करना है, इसलिए ये बैग्स भी बड़े हैं। तो यही दिखाना था कि दस्तरखान मैं ऐड कर रही हूँ इसके साथ, इसलिए अभी तक उनको दिया भी नहीं है दस्तरखान, कि मैं इसके साथ ही उनको भेज दूंगी। सो सबके बैग हो गए हैं रेडी टू सेंड। अभी मैं जल्दी जल्दी वीफास वाले को बुला देती हूँ क्योंकि फ्रोजन आइटम है तो ख़राब ना हो जाए और सबके घर सेफली पहुँच जाए। अभी शहजान सारे वीफास वालों को दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके पार्सल सब चले गए हैं, ये लास्ट वाला था। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को ये रेसिपीज इजी लगी होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है वो लोग के जो रिएक्शन वाले वीडियोस आने वाले हैं, तो मैं वो चीज़ के लिए बहुत वेट कर रही हूँ। और बस और कुछ भी नहीं, मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और हम सबको दुआ में याद रखिए, खास करके मेरे ससुर को, फलस्तीन को और सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।